हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नाउ दे बैच का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमारा टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 11 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 12 देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि भाई किस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी, वो स्टेप्स अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आप लोग किसी भी चीज को अच्छे से वो क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करवाया, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक या दो एग्जांपल आप लोगों के लिए और करवा दूंगा, इसी के साथ हमारा फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखो, सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना, आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ द नंबर लाइन ऑन विच पी बाई क्यू लाइज। मतलब हमारा कोई नंबर है पी बाई क्यू, रैशनल नंबर है, जो किस सेक्शन में आ रहा है। नंबर लाइन क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे बीच में क्या है, जीरो है, यहाँ पे क्या है, वन है, कहीं यहाँ क्या है, टू है, तो यहाँ ये इसका सेक्शन कहलाता है। तो जो भी हमारा रैशनल नंबर है वो इस सेक्शन में आ रहा है, इस सेक्शन में आ रहा है, या वन से टू के बीच में आ रहा है, टू से थ्री के बीच में आ रहा है, उस सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही सेक्शन फाइंड हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे वो देखो, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फिर क्या करना, डिवाइड द सेक्शन इनटू क्यूथ पार्ट, मतलब जितना डिनोमिनेटर में है ना उस सेक्शन को हमें क्या करना है, उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद में क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, पहले ये चीज समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3/5, अब 3/5 के सेक्शन में आ रहा है। तो देखो, अब यहां मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जैसे p by q कोई नंबर दिया हुआ है तो ये वाला नंबर 1 से छोटा कब होगा, जब इसका न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 बड़ा है और ये क्या है, न्यूमिनेटर छोटा है। आप लोग अगर इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो 3 में तो 5 से डिवाइड होता नहीं, तो 0 नोट करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। 30 में कितने टाइम होगा, 6। तो 0.6 किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। मतलब ये तो पता चल गया कि हमारे को क्या है कि इस ये कौन से सेक्शन के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। फिर उसने सेकंड स्टेप में क्या बोला, डिवाइड द सेक्शंस इनटू क्यू पार्ट। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहां पे कितना, 5। तो हमें क्या करना है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये रहा, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 5 पार्ट हो गए। अब इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 पार्ट को ऐसे समझो, कि इस 1 को मैं लिख सकता हूं 5/5, 1 ही आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, 0/5 लिख सकता हूं। इसके बाद में देखो, अब ये वाला पार्ट क्या होगा, जैसे ये 5 इक्वल पार्ट किए तो ये पार्ट होगा 1/5 का, ये पार्ट होगा 1/5 का, ये पार्ट भी कितने का बना, 1/5, ये भी 1/5, और ये पार्ट भी कितने का बना, 1/5। आई होप ये आप लोगों को विजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/5 मैंने लिखा है। अब हमें तो पार्ट्स थोड़ी ना करने थे, 0.5 पे 5 आता है, 0। अब यहाँ पे अगर नीचे डिनोमिनेटर में 4 होता तो हम 0.4 लिख देते तो भी 0 आता, और इस 1 को 4/4 लिख देते। तो ये आपको सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी लिखना है वो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो 3/5 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें वो देखो, फिर इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, स्टेप 3। मेक पी डिविजन विच विल रिप्रेजेंट द गिवन रैशनल नंबर। अब पीथ, पीथ क्या है यहाँ पे, पी वाला नंबर वाला, ठीक है। तो पी क्या है यहाँ पे, 3 है। तो तीसरे नंबर का जो डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट करो। तो पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा, ये है भाई। ये 0/5 था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/5 इसको, 2/5 इसको, 3/5 ये, 4/5, और ये वाला कितना है, 5/5। तो हमें तो 3/5 को रिप्रेजेंट करना था ना, तो 3/5 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा बड़ा सा डार्क डॉट बना के क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने एक 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 तरीके से यहां भी एक एग्जांपल सॉल्व करवा दिया है, एक एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। यहाँ पे क्यूथ पहले से डिविजन कितने करने हैं, वो डिनोमिनेटर के बराबर करने हैं, और कौन से पॉइंट को इलेक्ट करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, जहां पे हमारे को पॉइंट को ड्रॉ करना है वो न्यूमिनेटर वाला होगा। जैसे यहाँ पे 30, यहाँ पे 4 होता तो वो नंबर, मतलब यहाँ पे हमारे को डॉट बनाना पड़ता, अगर 2 होता तो यहाँ होता। तो देखो अगले वाले क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है 2/5, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इसी तरीके से सब कुछ होगा
बस 2/5 कहां लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सेक्शन फाइंड करें। तो सेक्शन देखो, एक तो पॉजिटिव नंबर है यानी इधर की तरफ ही कहीं होगा, ये न्यूमरेटर क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसका जो 2/5 है वो 1 से छोटा आएगा और पॉजिटिव है इसलिए 0 से तो बड़ा आएगा, मतलब वो सेक्शन कौन सा है, वो है 0 से लेके 1 के बीच में, तो मतलब इसके बीच में। उसके बाद में क्या करना है, डिवाइड द सेक्शन इनटू 5 पार्ट्स। 5 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0/5, और इसको हम बोल सकते हैं 5/5। तो ये वाला पार्ट क्या होगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये होगा 3/5, ये हो गया 4/5 और ये 5/5 हो गया। तो हमें क्या बताना है 2/5 को कैसे डिनोट करते हैं, तो 2/5 क्या होगा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अब हम दो नंबर्स और लेते हैं, उनको भी हम क्या करके देखते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो देखो हमारा जो पहला नंबर है, सेम क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 1 and 3/4 ऑन ए नंबर लाइन। अब इसको सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में है, भाई आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कौन से सेक्शन में आ रहा है। तो देखो 1+ something है कुछ, भाई एक इसका मतलब है 1+3/4। तो अब 3/4 है तो ये वाला नंबर तो क्या होगा, देखो 1 से छोटा हो रहा है और 0 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और 1 प्लस कुछ है साथ में, ये क्या करना है 1 प्लस कुछ करना है, मतलब ये देखो 1 से तो बड़ा होगा, ये खुद इस 1 से छोटा है, मतलब ये 2 से छोटा होगा, मतलब ये जो नंबर एक्चुअल में कहां लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां तक तो 1 हो गया, हम देखो 1 तो यहां लिखेंगे, साथ में क्या करेंगे, अब हमें यहां रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसको एक काम करते हैं, मिक्स से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंप्रोपर में कन्वर्ट, 4 1 4 4 3 7। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता, 4 × 1+3/4 जो कि कितना हो गया 7/4। अब 7/4 आप लोगों को साफ ही दिख रहा होगा, देखो अगर यार 7 की जगह 8 होता तो 4 2 जा जाता, और अगर 4 होता तो 1 होता, तो मतलब ये क्या है 7/4 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के बराबर सेक्शंस करने हैं, किसके, इस वाले पार्ट के। तो देखो 2, 4 सेक्शंस कर लिए हमने, देखो इस 7 को हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग ध्यान से समझना, 1 को हम बोल सकते हैं 4/4 और 8 को हम बोल सकते हैं 8/4, 2 को हम बोल सकते हैं 8/4 क्योंकि 8 में 2, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब मैं इसको 8/4 ही क्यों बोल रहा हूं, मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था कि जितना डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से हमें नीचे लिखना है, ठीक है, 1 को क्या बोल सकते हैं 4/4, अब यहां का अगर डिनोमिनेटर 5 होता तो हम इसको 5/5 लिख देते और इसको 8/5 लिख देते। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब 4 सेक्शन क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 4, तो ये वाला सेक्शन कितना, ये 4/5 है तो ये कितना बनेगा 5/4 है तो 5/4 बनेगा, ये 6/4, ये 7/4 और लास्ट में ये कितना हो जाएगा 8/4। हमें एक्चुअल में कितने को रिप्रेजेंट करना है 7/4 को, तो वो सेक्शन एक्चुअल में वो वाला पॉइंट कहां बनेगा, यहां बनेगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्टेप 3 की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने स्टेप 2 के अंदर ही क्या कर दिया, इसको पूरा सोल्व कर दिया। तो ऐसे अगर कोई बड़े नंबर आते हैं तो आप लोग उसको इस तरीके से ब्रेक करके उसको क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवाइंड करके देखिए, चीजों को सुनिए। ऑनलाइन की टीचिंग में, मतलब ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सुन और देख नहीं पाते, मतलब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है, देख, हम प्रॉपर तरीके से उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, और जब हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं रहे होते हैं। मतलब अगर दोनों एक साथ करोगे तो आप लोगों को ऑनलाइन की पढ़ाई बेस्ट लगने लगेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इसको रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को और अच्छे से सोल्व करके बता दिए जाए। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा। तो देखो अब इस बार नंबर है -1/3, अब नेगेटिव नंबर है, पहले बात तो ये समझ में आ गया कि 0 के इधर होगा। अब सोचो कि यहाँ पे 1 की जगह पे 3 होता तो 3/3 माइनस का 1 आ जाता, यानी ये वाला पॉइंट होता, और 3 से बड़ा होता जैसे 6 होता तो कहां आता, इधर।
मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती जाती है तो रिजल्ट इधर आता जाता, लेकिन अब ये 1 है, अगर हम इस माइनस को भूल जाए तो 1/3 वो किसके बीच में आता, 0 और 1 के बीच में। अब माइनस लग गया तो किसके बीच में आएगा, 0 और माइनस 1 के बीच में आएगा। आई होप ये बात में जो बोल रहा हूँ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जो माइनस 1/3 है वो एक्चुअल में 0 से तो छोटा होगा और 1 से माइनस 1 से बड़ा होगा। माइनस 1 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि अगर 1 की जगह पे 3 होता तो जाके माइनस 1 होता, लेकिन 3 से छोटा है तो क्या होगा, ये माइनस 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। आई होप आप लोगों को सेक्शन पता चल गया होगा। फिर डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो हमें क्या करना है, हमें सेक्शन पता चल गया कि ये वाला सेक्शन रहने वाला है। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 पार्ट्स करने, 1, 2, 3 पार्ट हो गए। हर एक पार्ट को क्या करना है, हमारे को जो भी पॉइंट है, हमारा पहला वाला पॉइंट है फर्स्ट, उस डिवीजन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखो इस 0 को क्या समझ सकते हैं, 0/3, और इस 1 को क्या बोल सकते हैं, -3/3, क्योंकि 3 1 = 3 और माइनस है तो -1। इसको क्या बोल सकते हैं, -1/3, इसको बोल सकते हैं -2/3 और ये -3/3। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, -1/3। तो जो हमारा रिजल्ट होगा -1/3 वो कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। बस हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, वो है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई दूसरी रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड की जाती है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको भी हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।